वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और मेंटली रूप से भी दुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कन्वर्सेशन अबाउट ईटिंग, ठीक है। हम लोग टॉकिंग अबाउट ईटिंग यानी जब हम लोग खाते हैं, ठीक है। आज किसी चीज के बारे में बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट ईटिंग को लेकर के। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो उसको इंग्लिश में किस तरह से हम लोग बोलते हैं, किस स्टैंडर्ड क्लास में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। हम आपके सामने कुछ सेंटेंस रखेंगे जिसका एक्सप्लेन भी करेंगे और उस सेंटेंस से आप बहुत सारा सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कन्वर्सेशन ए में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन कहेगा पहला बात, ठीक है। फिर क्या कहेगा आपका, सेकंड पर्सन कहेगा। तो फर्स्ट पर्सन कहेगा क्या कहेगा आपका, What did you have? What did you have for breakfast? आप breakfast में क्या लिए थे? इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर second question क्या आएगा आपका? ठीक है। What did you have for breakfast? Means what did you have for breakfast? आप breakfast में क्या लिए थे? ठीक है। यानी breakfast में क्या होता है? नाश्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेगा? I had। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कॉफी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, टॉस्ट भी खा सकते हैं। तो I had coffee। जैसे हमने ये कॉफी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? I had coffee। Had मतलब क्या हो गया यहाँ पे? खाना हो गया। I had coffee, टॉस्ट, टॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग हैं एग्स भी खाते हैं, एंड एग्स, एंड एग्स मींस आई हैड कॉफी, टॉस्ट एंड एग्स। हम क्या लिए नाश्ते में आपका? कॉफी लिए, कॉफी पिए, टॉस्ट लिए और फिर एग्स लिए। तो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं आप, क्या उसे फिर पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, हाउ डिड यू हैव योर एग्स। हाउ डिड यू हैव योर एग्स मतलब आप जो एग लिए हैं कैसे खाए हैं। हाउ डिड यू हैव योर एग्स, ठीक है, दे रहा था, क्लियर है आपका। तो हाउ डिड यू हैव योर एग्स मींस आप एग्स कैसे खाए हैं, ठीक है, मींस अंडा आप कैसे लिए थे। तो यहाँ पे अगला क्या रिप्लाई कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं आपका सेकंड पर्सन, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट बॉय एज यूजुअल, ठीक है, सॉफ्ट बॉय हैव यूजुअल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट मींस आप नाश्ते में क्या लिए थे। आई हैड कॉफी, टॉस्ट एंड एग्स, मैं क्या लिया था, कॉफी पिया था, टॉस्ट लिया था और एग्स खाया था। हाउ डिड यू हैव योर एग्स, तुम आखिर एग्स कैसे खाए थे, अंडा कैसे खाए थे। सॉफ्ट बॉइल्ड एज यूजुअल, आमतौर पर जैसे खाते हैं लोग बॉइलिंग करके ही खाते हैं, बॉइल करते हैं फिर उसे आराम से खा लेते हैं ब्रेड के साथ। तो नाश्ते में ये हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे व्हाट डिड यू, अब जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि इसको प्रेजेंट में करना हो, ठीक है। तो हाउ डू यू, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, यानी डेली का बात हो रहा, डू यानी प्रेजेंट का बात हो रहा, आपका डेली एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो आई हैव यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई हैव हो जाएगा। अगर आपसे डेली के बारे में पूछता है, जैसे अक्सर कोई रिलेटिव्स या फिर दोस्त पूछते हैं कि तुम नाश्ते में क्या लेते हो, तो आई हैव कॉफी, टॉस्ट एंड एग्स, तो यहाँ पे हैव के जगह क्या हो जाएगा आपका, हैव हो जाएगा। तो सॉरी हैव के जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हाउ डिड यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इसको प्रेजेंट में करेंगे तो हाउ डू यू हैव योर एग्स, आप या फिर आप अंडा कैसे खाते हैं। सॉफ्ट बॉइल्ड एज यूजुअल, आमतौर पे बॉइलिंग करके खाते हैं, खाया जाता है जैसे वैसे ही खाते हैं आमतौर पे। जैसे सॉफ्ट बॉइल्ड यानी आपको क्या हो जाएगा, एग्स को बॉइलिंग करके जैसे खाया जाता है हम लोग वैसे ही खाते हैं एज यूजुअल की तरह। तो आप इसको फ्यूचर में भी आप तब्दील कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं गए रिश्तेदार पे हैं, तो आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स पूछेंगे कि तुम क्या लोगे नाश्ते में, तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, व्हाट विल यू, यहाँ पे डू की जगह क्या हो जाएगा, डू डिड की जगह विल हो जाएगा, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, तो आप क्या कहेंगे, आई विल हैव कॉफी, टॉस्ट एंड एग्स। तो हाउ डू यू हैव योर एग्स, ये भी पूछेंगे कि एग्स कैसे खाना पसंद करोगे, तो यहाँ पे डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विल हो जाएगा, ठीक है। हाउ विल यू हैव योर एग्स, आप एग्स कैसे खाएंगे, सॉफ्ट बॉइल्ड एज यूजुअल, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं। ये सेंटेंस क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे प्रॉब्लम है नहीं है प्रॉब्लम, वेरी गुड।